हाँ भाई, क्या हाल चाल? तो भाई बात ऐसी है कि केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आज बिल्कुल देसी स्टाइल में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को भैया मैक्सिमम शेयर करना, अपने स्कूल के व्हाट्सएप में डाल दो, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप में डाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट होना चाहिए मैक्सिमम शेयर, क्योंकि आज भैया देसी स्टाइल वीडियो। मैथ्स की और फिजिक्स की हमने स्ट्रेटजी ऑलरेडी अपलोड कर दी है, प्रधान जाके देख सकता है तो चैनल पे, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से उठा के देख ले मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई कैसे शुरू करें। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्या है? पहली बात, आपके साथ पता है क्या होता है, आप रोड पे चलते हो और आपको अचानक से दिखता है कि एक ब्लू कलर की लिक्विड गिर रही है और बगल में एक रेड कलर की लिक्विड गिर रही है। अरे भाई, केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, वो ब्लू और रेड लिक्विड अगर मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? कहीं एस्टेरॉयड बगल से जो गुजर रहा था वो सही में उस ब्लू रेड लिक्विड की वजह से तो नहीं अलग से निकल गया? अच्छा खासा बच्चे सोच रहे थे कि भैया बोर्ड एग्जाम अब नहीं होगा, एस्टेरॉयड गिरने वाला है, सब लोग एकदम फुल चिल सीन में कि अरे इसकी तो मजा आ गया। पर भैया केमिस्ट्री का थोड़ा सा लॉजिक अलग है, फंडा अलग है, ठीक है। अब देखो भाई, बहुत लोग हैं केमिस्ट्री को बहुत अच्छा बताते हैं, सही बात, अच्छी बात है, ठीक है। केमिस्ट्री पे दुनिया चलती है, केमिस्ट्री पे दवाई बनते हैं, केमिस्ट्री पे बहुत कुछ होता है, पर मुझे ना दवाई बनाना, मुझे ना दुनिया चलाना, मुझे ना आगे होके टेस्ट ट्यूब लेके ऐसे से डालना, बट कुछ लोगों को डालना है और जिनको डालना है उसके लिए बहुत जरूरी है, पर जिनको नहीं डालना है उनको बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, जेई में स्कोर करना वो भी बहुत जरूरी है, नीट में करना है वो भी बहुत जरूरी है। भले ही तुम्हें आगे जाके वो टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में लाल और ब्लू डाल के उसको मिला के ऐसा ब्लास्ट कराना हो, नहीं कराना हो। तो देखो भैया, ऐसी बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अब तुम्हारे भाई ने बढ़िया ट्रिक लगाई थी एग्जाम में, क्या? परसों केमिस्ट्री का एग्जाम था, मैं स्टार्ट हुआ रोने, पापा ऐसे बगल से गुजर रहे, मैं रो रहा हूं, बहुत खराब है केमिस्ट्री, मेरे से नहीं हो पा रहा पापा। माय फादर बी लाइक, बच्चा मेहनत कर रहा है, 20-25 दिन से पढ़ाई तो कर रहा है, दिन से रात दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर कंपार्ट लग गएगा ना, बाकी फिजिक्स मैथ में हो ही जाएगा, तो केमिस्ट्री पढ़ के वापस कर लेना। ओके पापा। तो ऐसा कुछ था हमारा रिएक्शन, बट भैया भगवान की किस्मत से केमिस्ट्री में ही बच गए और कंपार्ट नहीं लगा, तो केमिस्ट्री होगी कैसे, है ना? मुझे अगर किसी ने बताया होता ना कि केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिक एंड ड्रॉप होने हैं और तुम इस चैनल की वीडियोस देख लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम 70 में से 70 ले आओगे, तो शायद मैं उस हालात पे नहीं होता जिस पे तुम जा सकते थे। लेकिन अब नहीं जाओगे क्योंकि तुमने ये वीडियो देख ली है भैया। तो क्या करना होगा, अब मैं बताता हूं। सबसे पहली बात है भाई, केमिस्ट्री की थ्योरी उतनी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का बुक उठा लेना, एक चैनल सर्च कर लेना यूट्यूब पे, की यानी कि कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, ठीक है भाई। मेरे को कोई चैनल वाले पैसे नहीं देते, अगर देंगे, अगर देना चाहते हैं, अगर मैं आपके चैनल्स प्रमोट करता हूं हमेशा, अगर आप देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे बात कर सकते हैं, मैं पैसे लेने के लिए बहुत बेताबू हूं आपसे, ठीक है। एनीवेज, अगर मैं आपके चैनल प्रमोट करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी रीजन से करता हूं, क्योंकि भाई 2019 से इनएक्टिव है चैनल, कोई वीडियो नहीं डल रही है, उस इंसान को कोई मतलब नहीं होगा शायद अपने चैनल से, मे बी, लेकिन मुझे है क्योंकि उस चैनल ने मुझे और बहुत बच्चों को बहुत कुछ दिया है। तो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ करके एक चैनल है, बहुत सिंपल बंदा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, बेसिक, एकदम बढ़िया बेसिक, और इतना पढ़ा रहा है कि अगर तुम वो पढ़ लोगे तो तुम्हारे एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगे, और तुम्हें करना भी यही है, ठीक है। मेरे साथ एक लड़का रहता था, उसको केमिस्ट्री कुछ नहीं समझ आती थी, तो उसने 20 दिन पहले से सोच लिया कि वो रटना शुरू करेगा। पता उसने क्या किया था? तुम लोगों को पता हो नहीं, लेकिन एनसीईआरटी का एक सॉल्वड बुक आता है जिसमें कि सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्वड होते हैं, इंटेक्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, पता नहीं आज के डेट पे आता होगा कि नहीं। उसने वो पूरा बुक रटा था, ठीक है। उस बंदे के केमिस्ट्री में 70 में से 67 नंबर आए सिर्फ रट के, उसको कुछ नहीं पता था केमिस्ट्री का। पता है क्यों? क्योंकि उसकी रटने की पावर अच्छी थी। तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूं, तुम्हारे साथ चीजें बहुत आसान है, मात्र 10 चैप्टर है गिन के। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री लॉजिकल लगेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा और अच्छे से आएगा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान देना, मैंने वो पेपर में नहीं किया था, चैप्टर से जो डायग्राम छोटे छोटे बन रहे हैं ना, सॉल्यूशंस में डायग्राम था, फिर केमिकल काइनेटिक्स में डायग्राम्स था, तो वो सब के डायग्राम्स बनाना पेपर पे, मार्क्स बहुत उठेगा, ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसका ध्यान रख लेना भाई पढ़ने के टाइम, ठीक है। तो वो याद रख लेना, इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, ये तीनों के पूरे मिला के एक चैप्टर से 30-35 क्वेश्चन है और प्रॉपर 10 चैप्टर है, तो वो 350 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो भाई कैसे भी,
वो 350 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो पूरे मिला के इंटेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप योर 65 प्लस आउट ऑफ 70। अब तुम बोलोगे भैया आप क्यों नहीं बोल रहे कि इसमें थ्योरी में डीप डाइव करो, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ो, नॉलेज लो। नहीं लो, जरूरत नहीं है, स्कोर करो। ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोर यही दे सकता है, केमिस्ट्री ही दे सकता है, बाकी में दिमाग लगाना भी पड़ेगा। इसमें तो पता है तुम्हें क्या आना है, मैं तो क्वेश्चन आउट कर दिया हूं भाई, थंबनेल में डालूंगा जरूर ये चीज, क्वेश्चन आउट। पता है क्यों? क्योंकि भैया इंटेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज, नहीं यकीन है मेरी बात पे, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक पकड़ना इस दुनिया का, ठीक है, और उस क्वेश्चन बैंक को कुछ मत करना, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक पकड़ना, उस क्वेश्चन बैंक में जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनसीईआरटी से एक बार मिला के देखना, ठीक है, तुम्हारा ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं इतने ज्यादा जोर दे के क्यों कह रहा हूं कि वो 350 क्वेश्चन आर मोर देन इनफ। ठीक है, केमिस्ट्री में भाई एक चीज बहुत वार्न कर रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत लोग रामबान और अलग अलग तरीके के आपको क्वेश्चन बैंक्स बेचेंगे जिसमें वो आपके लिए 40 क्वेश्चन रखेंगे और बोलेंगे ये 40 क्वेश्चन कर लो तुम्हारा बोर्ड्स हो जाएगा, मत फंसना। ठीक है, यूट्यूबर्स का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन 4 यूट्यूबर्स के मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक्स वैसे खरीदे थे 120 250 999 599 पे करके, सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ रटा था, एग्जाम में बैठा, एक क्वेश्चन लड़ा मात्र, और वो भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन 3 मार्क्स का। मत करना, मत फंसना भाई इन लोग के चक्कर में, ठीक है, बहुत बढ़िया काटेंगे तुम्हारा ये। मैंने फिजिक्स और मैथ्स के वीडियोस में क्वेश्चन बैंक बोला है ना, ताकि देखना, किया एक रिकमेंड, इसमें नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ब्रांड तो मुझे बोल रही है कर दो, केमिस्ट्री का भेज दो क्वेश्चन बैंक, नहीं है रिक्वायरमेंट अभी, जेन्युइन नहीं है। अगर रहेगी, अगर मेरे को फील होगा, मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं है। स्टार्ट करने के लिए और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, तो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ से आप केमिस्ट्री के वीडियोस देखोगे, उसके साथ आप एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाओगे। नेम रिएक्शन बता देता हूं, प्रॉपर 13-14 नेम रिएक्शन है पूरे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो पूरा का पूरा नेम रिएक्शन कर लेना। और जो आपका इनऑर्गेनिक में है क्वेश्चन, उसमें रहता है कि ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर ये है, इसका मास ये है, क्या है एलिमेंट, कैसे इनकी रिएक्शन करा के क्या बनता है, उसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन याद आने चाहिए। नेम रिएक्शन तुम्हें पता होने चाहिए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और बहुत तरह तरह के रिएक्शन है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत समय हो गया पढ़े हुए, मेरे को करीबन 5 साल हो गए 12 दिए हुए, 5 या 6 साल, तो इसमें भी मेरे को इतना पता है कि ये केमिकल रिएक्शन है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए इंटेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको इतना आता है, आप क्वेश्चन में आंसर अच्छा बना सकते हो, आप आंसर को बढ़िया लंबा खींच सकते हो, एक आध डायग्राम बना सकते हो सीबीएसई वाले को इंप्रेस करने के लिए, तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। सीबीएसई का जो पेपर होता है वो साफ सुथरा आंसर शीट लिख के आ रहे हो केमिस्ट्री में, मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं पिछले 4 साल से ना जेन्युइन बता रहा हूं, केमिस्ट्री ने मेरे को इतना हर्ट किया था कि मैं इसके टॉपर्स आंसर शीट देखते आ रहा हूं हर साल, और टॉपर्स आंसर शीट से मैंने बस इतना ही निकाला है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पता होने चाहिए, नेम रिएक्शंस आने चाहिए, साफ लिखना आना चाहिए, डायग्राम तुम बना लेते हो, तुम्हें आइडिया हो चैप्टर क्या है, बस देसी भाषा में तुम्हें मैं इतना ही समझाऊंगा और इतना ही तुम्हारे समझ के लिए बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया है तो यू आर गुड टू गो, ऑल द बेस्ट। अब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों की वीडियो ड्रॉप हो चुकी है, तीनों देखो और अपना काम अब शुरू करो, अब मत करो भाई लेट, अब कोई मतलब नहीं है, बड़ा भाई के नाते बोल रहा हूं भाई, मेरी बात सुन ले थोड़ा, है ना, तो सुन ले मेरी बात, चालू कर दे, ठीक है, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ठीक है, और चैनल से जुड़े रहे क्योंकि अभी लगातार वीडियोस मैं बनाते ही रहूंगा, अभी मुझे बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करना है क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि मैं इस साल उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, आई नो कि अभी मेरे व्यूअर्स काफी कम हो गए हैं, पिछले साल भाई बड़े बड़े यूट्यूबर से पहले हमारे पे 2-3 लाख व्यूज आ जाते थे, एक एक घंटे 2-2 घंटे में 2 लाख व्यूज आते थे स्ट्रैटजी पे, पर इस साल काफी कम ऑडियंस है, ऑब्वियस सी बात है, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग एनीवन टू ब्रिंग एनी ऑडियंस, ऑब्वियस सी बात है, 4000 बच्चे भी देख रहे हैं, 1000 का भी फायदा हो जाए, मोर देन हैप्पी, लेकिन काम करना है बस इतना पता है। ठीक है, नहीं हो पा रहा हूं, इतना कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं, उसका रीजन है मेरा कॉलेज, जिस धर अभी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान हो गया है क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया तुम्हारे भाई को, और तुम्हारे भाई का प्लेसमेंट भी चल रहा है कॉलेज में, तो प्लेसमेंट निकलती है अगर कहीं अच्छा निकाल लेते तुम्हारे भैया तो जरूर उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ आई क्रैक डेट, क्योंकि तुम्हारे भैया की अटेंडेंस भैया 20% है, फिर भी अगर उन बच्चों से पहले अगर कर लिया तो उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। थोड़ा सा मन किया दिल की बात कर ले लास्ट में तो कर दिया, जय हिंद, वंदे मातरम।